गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम मनाली। इट्स आवर सेकंड डे इन मनाली। फिलहाल हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने। सो अभी हम जा रहे हैं, ये लोग जहाँ से पैराग्लाइडिंग कराएंगे उस जगह। हमने पैराग्लाइडिंग कर ली है। अब मैंने पहले भी कर रखी थी, गोविंद ने भी पहले कर रखी थी, पर हमारे गौरव जी और हर्ष जी ने पहली बार की है। वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। एक्सपीरियंस ऐसा रहा, बहुत बढ़िया रहा। वो हमने एक बार वो वीडियो देखी थी, वो साला कह रहा था ना मेरी फट रही है, वो फट रही है। कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ चूतिया बना रहा था और कुछ भी नहीं था। बहुत मजा आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डर वर नहीं लगता इसमें। तो चाचा जी की तो लैंड करा दे के लिए 100-200 एक्स्ट्रा नहीं दिए। काका ने कहा भाई एक्स्ट्रा ले ले, लैंड मत करा, बस हवा में रख। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी कार तक और रिवर क्रॉसिंग करेंगे, क्योंकि ब्रिज टूटा हुआ है। तो देखते हैं। तो अभी हमने सोचा कि चेक करते हैं कि थार की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज क्या है। तो हम यहाँ कोई रोड नहीं था, नदी किनारे उतर गए। अब देखते हैं। अभी मैं गिरते गिरते बच गया, बर्फ सा हुआ बच गया। यहाँ हमारे जाने की कोशिश है। काफ़ी अच्छा व्यू है, पता नहीं नदी किनारे पहले कोई आया भी होगा कार लेके। जेसीबी तो यहाँ एक खड़ी थी, पर कार भी आ रही है। तो देखते हैं हमारे प्रो ड्राइवर हर्ष जी क्या कमाल करते हैं। और ऑफ रोडिंग के कर ली थी, थार से प्यार होते हुए, क्योंकि थार तो बिना किसी परेशानी के पहुंच गई है। मैं भी आगे आ जाऊं, कहीं ज़्यादा प्रो ड्राइवर ना हो जाए, हम पे ना चढ़ा दें। ऊपर जाने दो, मैं पहले पहुंच जाऊं। देखिए
पावर ऑफ थार। इस रास्ते से हम आए, ये जगह है, ये हमारे ड्राइवर जी हैं मिस्टर अर्शोकिन। तो अभी हम थार को लेके आए प्रोडिंग के लिए, तो हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही परफॉर्मेंस थी ये। बिल्कुल हम नदी किनारे आ गए, आप देख भी पा रहे होंगे हम बिल्कुल नदी के किनारे हैं, ना यहाँ कोई रोड है, हम पहाड़ों के बीच हैं। और ये गोविंद जी बता रहे हैं थार कहाँ खड़ी होगी, कहाँ नहीं होगी। गौरव जी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई रोड नहीं है। ये छोटा सा झरना, लोग मुझे डिस्टर्ब करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए अपनी बातों से, पर कोई नहीं, ये स्क्रीन टाइम मुझे वैसे भी नहीं देते, क्या कर सकते हैं। तो अभी हम थार को बिल्कुल नदी किनारे, बिल्कुल पानी से टच होते हुए लेके जाने की कोशिश करेंगे। अब वही हमारे एक्सपर्ट ड्राइवर मिस्टर हर्ष जी। ये देखने में ही जी लग रहा है, लेकिन पत्थर ये जो हैं काफी बड़े हैं। गाइड वगैरह के साथ तो सभी ट्रैक करते हैं वही जगह, वहां कचरा भी होता है, लेकिन ये मुझे लग रहा है यहाँ कोई आता भी होगा तो लोकल्स आते होंगे जो आसपास रहते हैं, पर आसपास कोई हमें घर दिखा नहीं है, तो मे बी ये जस्ट एक रिवर है, ऐसा पार्ट जहाँ कोई नहीं आता। अभी हम आगे ऊपर तक जाने की ट्राई करेंगे। ये फोटोग्राफी चल रही है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं बिल्कुल जहाँ तक हम जा पाएंगे नदी के किनारे, जहाँ नदी चौड़ी होती है, या फिर जितना भी हम कवर कर पाएंगे एक दो घंटे में, जब तक हमारे पास टाइम अंधेरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ से हमें गाड़ी भी निकालनी है, जो अंधेरे में मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी बड़े पत्थर है नीचे तो हमें दिखेंगे नहीं। तो ये रास्ता है, आप देख सकते हैं लेकिन जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, गऊ माता ज़रूर पहुँच जाती है। ये देखिए, ये भी मुझे ही देख रही है कि ये कौन है, यहाँ कोई नहीं आता पर ये कैसे आ गया। गऊ माता मेरे को लुक्स दे रही है कि यहाँ से जाओ, इट्स आवर एरिया। बाकी अगर ये हमारे पीछे भागी मैं तो नदी में कूद जाऊँगा, भाई मेरे को बड़ा डर लगता है। हेलो हेलो हेलो। सो हमें देख के और भी लोग वहाँ से आ रहे हैं फोटो तक जाने, चिल विल करने, और लेकिन उनकी गाड़ी नहीं आ रही, वो मतलब गाड़ी ला नहीं रहे, वहीं पे खड़ी है उनकी गाड़ी रोड पे। और काका हमारे कुछ कह रहे हैं, हमारे पास थार है, पायलट चार है, नेचर से प्यार है, ट्रांसपोर्ट का चाचा का व्यापार है। गालिब साहब हमारे छत पे बैठे हैं, आओ गालिब साहब नीचे आओ, बस हो गया, चलो इधर बारिश आ जाएगी, ऊपर से बादल आ गए, देखो। खाना वगैरह खा लिया है, अब हम अटल टनल। सो वी